अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप कैसे ईरान का वीज़ा सिर्फ एक ही दिन में ले सकते हैं। तो सारा प्रोसीजर आपको बताऊँगा, फ़ी बताऊँगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप मज़ीद ऐसी ईरान के रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको ईरान का वीज़ा लेना है तो सबसे पहले उनकी साइट पे जाके आपको एक फॉर्म फिल करना है। साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और अगर आप गूगल सर्च करेंगे ईरान बेस्ड वीज़ा तो फर्स्ट जो उनकी साइट का लिंक आ जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक जाके उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है कि एक सिंपल फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना है। वीज़े की टाइप कौन सी चाहिए आपको, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए या ज़्यारती वीज़ा चाहिए। आपने अगर ज़्यारती वीज़ा लेना है वो सस्ता होता है थोड़ा टूरिस्ट वीज़ा से, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। और बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम एट्सेट्रा और पासपोर्ट नंबर, ये वो, ईमेल एड्रेस। देन क्या होगा, आप जब वो फॉर्म फिल कर लेंगे, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो उसी में ईमेल पे आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन दी होगी, कोड लिखा होगा ऊपर ई वीज़े का। तो आपने वो सिंपल क्या करना है, उसको प्रिंट कर लेना है और अपने नज़दीकी कौंसलेट में चले जाना है। जैसे कि ईरान की जो अम्बेसी है वो है इस्लामाबाद में, उसके कौंसलेट लाहौर में भी हैं, पिशावर में भी है, कराची में भी है ईरान कौंसलेट। तो जो आपको नज़दीक पड़ता है आपने वहाँ चले जाना है, वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करके। उसको प्रिंट करने के बाद आपने जब वहाँ जाना है कौंसलेट में, तो फ़ी डिपॉज़िट करवानी है आपने। अगर आप ज़्यादती वीज़ा ले रहे हैं तो वो ज़रा सस्ता होता है उसको। अगर नॉर्मल आपने वीज़ा लेना है जो 5 to 7 days प्रोसीजर है, वो आपको मिलेगा 3,300 पाकिस्तानी रुपीज़ में। और अगर आपको ऑन द सेम डे उसी दिन वीज़ा चाहिए अर्जेंट बेस पे, तो वो 4,200 का होता है। आपने अगर अर्जेंट चाहिए सेम डे, आपने 4,200 साथ ही बैंक, अलाइड बैंक की ब्रांच होती है उसमें आपने डिपॉजिट करना है, और वो रसीद आपने अगेन कौंसलेट में जमा करवा देनी है। और देन आपको करना क्या होगा कि 3 to 4 hours आपको वहाँ ही वेट करना होगा। देन वो आपको 3 to 4 hours बाद एक प्रिंट निकाल के ई वीज़े का दे देते हैं, जिस पर आप ईरान ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें आपने देखनी है कि जो ज़्यारती वीज़ा है उसमें आपको इंटरव्यू लिया जाएगा कुछ चीज़ें इस्लामिक चीज़ों के बारे में, जैसा कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि मस्जिद में आपने किन पॉइंट्स पे जाना है, वहाँ किन का रोज़ा मुबारक है, कुंभ में कहाँ जाना है आपने, वहाँ किन का रोज़ा मुबारक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आपने ज़्यारती वीज़ा लेना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती तो इनकेस वो क्या करें, तो वो आपका जो ज़्यारती वीज़ा है उसको टूरिस्ट वीज़े में चेंज कर देंगे और उसकी थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होगी। तो मेक श्योर आपको वो सारे क्वेश्चन आते हैं और आप इंटरव्यू में क्लियर हो जाएँ। तो इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, या आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा हमारा एजेंट लगवाए घर से, आपके पासपोर्ट पिक किया जाएगा और वीज़ा लगवा के आपको घर ही पहुँचा दिया जाएगा, तो ये सर्विस चाहते हैं। या ईरान में कोई भी सर्विस आपको चाहिए, होटल, एयर टिकट, डोमेस्टिक एयर टिकट, गाइड, ट्रांसलेटर, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ईरान के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।